but the way they are governing and the way you know they have been alleged. So I think उनको they are getting a very bad press internationally. उसकी क्या reasons हैं वो that is another you know something for another time. तो that's how you know मैंने सोचा कि okay अगर आप पर एक इल्जाम ही लगाया जा रहा है तो देखा जाए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इट. मतलब ये कि अगर 57 इस्लामिक कंट्रीज हो सकते हैं, अगर अगर क्रिश्चियन स्टेट्स हो सकती हैं, अगर बुद्धिस्ट स्टेट्स हो सकती हैं, तो इंडिया जो कि जहाँ जहाँ पे मतलब मेजोरिटी ऑफ द 95% ऑफ द हिंदूज लिव, तो व्हाई इट कैन नॉट बी अ हिंदू स्टेट, या उसका स्टेट रिलीजन जो है हिंदुइज्म क्यों नहीं हो सकता. अगर इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, नॉट यूनाइटेड किंगडम. इंग्लैंड जो है अगर वो एक क्रिश्चियन नेशन, क्रिश्चियन कंट्री हो सकती है, तो वाई इट का वाई एंड कैन बी सेकुलर, तो वाई आई मीन इंडिया कांट बी. तो लोग ये समझते हैं कि शायद बीइंग ए सेकुलर, बीइंग ए हिंदू नेशन वुड मीन दैट इट वोंट बी सेकुलर. सो दिस इज समथिंग विच इज एंटायरली रॉन्ग. सेकुलरिज्म का और बीइंग ए रिलीजियस नेशन कोई भी उसके स्टेट का एक स्टेट रिलीजन हो उसमें कोई दे आर नॉट अपोजिंग व्यूज. सो ये कहना कि अगर हिंदू नेशन इंडिया हिंदू नेशन हो जाएगा तो इट वॉन्ट रिमेन सेकुलर, दैट इज समथिंग विच नीड टू यू नो रियली अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है. लेकिन खालिद उमर साहब, बात यह है कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि खुद बीजेपी चाहे वो ख्वाहिश रखते भी हो, नरेंद्र मोदी जी ये ख्वाहिश रखते भी हों और आरएसएस भी ये ख्वाहिश रखते हों कि ये ऐसा होना चाहिए, मगर वो खुद इतना घबराते और शर्माते हैं ये बात ओपनली करने से। इसके पीछे क्या साइकी नज़र आती है आपको? यही मेरा ख्याल है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है. एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आई मीन बीइंग ए हिंदू नेशन वोंट बी ए सेकुलर कंट्री, नंबर वन. दूसरा आई मीन आई थिंक द इंडिया हैज स्टिल टू कम आउट ऑफ द व्हाट दे हैड अंडर द कांग्रेस रूल. और जो सेकुलरिज्म है, आई मीन 76 में सेकुलरिज्म, सेकुलर कंट्री का वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया. तो आपका क्या ख्याल है कि मतलब 76 से पहले इंडिया सेकुलर नहीं था? इंडिया तो पिछले 10,000 साल से सेकुलर है. इंडिया तो पिछले इंडिया में अगर इस वक्त सारी दुनिया के मेजर रिलीजन सारे पीसफुली रह रहे हैं, इफ इफ मुस्लिम्स आर लिविंग देयर एंड दे आर नाउ 15% ऑफ द पॉपुलेशन, तो हैड इंडियन इंडिया नॉट बीन सेकुलर देन डेफिनेटली ऐसा ना होता जो कुछ है. सो इंडिया इन इंडिया एज ए सिविलाइजेशन इन इट्स ओन एथोस इज ए सेकुलर नेशन एंड दे विल रिमेन सेकुलर. लेकिन हिंदुइज्म को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है. दैट इज थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड और कन्फाइंड 95% कन्फाइंड टू वन कंट्री, और उसको भी आप सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलसल डिसएनफ्रेंचाइज करते रहे और मुसलसल उसको ब्लैकमेल रादर करते रहे, तो दैट इज नॉट समथिंग आई बिलीव इज वर्केबल. देखिए आप, सो जी, आपने कहा कि इंडिया सिर्फ 76 के लॉ के बाद ही सेकुलर नहीं हुआ, वो तो हज़ारों साल से एक सेकुलर सोसाइटी है, सेकुलर कौम है, मगर इस वक्त जो एक जब से मोदी जी की पहली सरकार बनी थी 2014 से, एक इतना ज़्यादा शोर, ना सिर्फ इंडिया की ऑपोजिशन पार्टी ने कहा कि अब सेकुलरिज्म का जनाजा निकल रहा जाएगा भारत से, इस नैरेटिव को अगर पाकिस्तान बाय करता तो हम समझते हैं कि वो उनके हक में है चूंकि वो एक बहुत ख़तरनाक राइवलरी पर बैठे हुए, मगर वेस्टर्न वर्ल्ड में भी अक्रॉस द बोर्ड इस बात को तस्लीम कर लिया गया कि सेकुलरिज्म ख़त्म हो जाएगा। हालांकि जो आप अपने आर्टिकल में आर्ग्यू करते हैं और जो जो मैं भी समझता हूँ और जो ग्राउंड रियलिटी भी है कि भारतीय जनता पार्टी या जो हिंदुइज्म का अपना एक नैरेटिव है वो तो अपनी नेचर में ही सेकुलर है, और एग्जैक्टली
अब ये कहना कि नहीं ये सेकुलरिज्म खत्म हो गया, तो क्या सेकुलरिज्म तो वो सिर्फ कांग्रेस के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ था, बल्कि वो तो मैं समझता हूँ सेकुलरिज्म था ही नहीं, क्योंकि उस सेकुलरिज्म में तो अगर आप रिलीजन को एकोमोडेट करते हैं, जैसे ज़कात की बातें हों या हज की सब्सिडी की बातें हों या ट्रिपल तलाक को कबूल किया हुआ था, तो वो तो नॉन सेकुलर रवैये थे जो उन लोगों ने किए हुए थे। बीजेपी या ये जो हमारे हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं, ये तो अपनी नेचर में सेकुलर हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो खुद नहीं मानते, मैं इसमें एक और इजाफा करना चाहूँगा खालिद भाई, वो खुद नहीं मानते बीजेपी वाले कि हम सेकुलर हैं। वो कहते हैं कि नहीं ये सेकुलरिज्म अच्छा रास्ता नहीं है। तो ये क्या एक पैराडॉक्स है? देखिए पहली बात तो हमने ये देखना है कि क्या मुसलमान जो है, मुस्लिम एज ए नेशन इन इंडिया एज वेल एज ओवरऑल द वर्ल्ड, क्या इस्लाम एज अ फेथ सेकुलर है? पहले आप इस चीज को गौर करें, और बल्कि आप ये देखेंगे कि इस्लाम एज एन आइडियोलॉजी वो तो सेकुलर हो ही नहीं सकता। उसकी तो बुनियादी जो 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 बेसिस है, दैट इज बेस्ड अपॉन ऑन अ पॉलिटिकल political take over of the land, and then you know whatever, जैसे आप कहते थे पाकिस्तान बनाते हुए partition के वक्त, हमें एक खिता चाहिए ये जो हो जहाँ हम अपने असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें, तो that was the end of it. Secularism कहाँ पे? Subcontinent में आप secularism आप कैसे ला सकते हैं? इंडिया को आप कहते हैं कि वो सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो, और पाकिस्तान जो है जो कि हर वक्त उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में लगा रहे, वो जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक हो, तो हाउ कैन दे इवन को एग्जिस्ट आइडिया इवन इन, क्योंकि जो इंडिया का मुसलमान है वो दैट दे गेट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द नेबरिंग यू नो बॉर्डर्स, तो और इंडिया के मुसलमान को ये पूछना चाहिए, आपने आप सवाल करना चाहिए कि क्या वो इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि रिलीजियसली एकेडमिकली कि उन जो देयर फेथ इज सेकुलर, डू दे रियली वांट टू बी सेकुलर, या उसको माने कि इस्लाम कैन नॉट बी सेकुलर इन इट्स ऑन यू नो फंडामेंटलिज्म जो है, उसकी जो फंडामेंटल्स हैं इस्लाम के, दे आर नॉट सेकुलर बुनियादी तौर पे, उसकी बुनियाद है। लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा एक और भी आर्गुमेंट शामिल करूँगा। मुस्लिम स्कॉलर्स कुछ का ये कहना होता है कि इस्लाम अगर सेकुलर नहीं भी है तो उसको सेकुलर बनाया जा सकता है। कुछ तो खैर ये दावा भी करते हैं कि इस्लाम अपनी नेचर में सेकुलर है, जो काफ़ी फनी सा दावा है। लेकिन चलिए, है इस्लाम सेकुलर या नहीं है, इस वक्त 15-16% मुस्लिम्स इन इंडिया में हैं, और उनकी जो लीडरशिप है वो एटलीस्ट एक कन्फ्रंटेशन के पाथ पे है, ख़ासतौर पर इस हिंदू राष्ट्र के आइडिया के साथ, और उनके साथ लेफ्ट की कुवतें जुड़ी हुई हैं भारत की। इस सारी सूरत हाल में जो फिर रास्ता है, जब भारत अपने हिंदू राष्ट्रीय में भी एक सेकुलर नेचर का कौम है या मुल्क है, उसी तरह जो दूसरी सियासी कुवतें हैं वो भी दावा करती हैं कि हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो मुसलमान इन इंडिया, मुस्लिम्स इन इंडिया, क्या वो सेकुलरिज्म के पाथ पे चल सकते हैं? कोई रास्ता है इसका? मुसलमान इंडिया के मुसलमानों को जो जितना मैंने रिसेंट डेज में ऑब्जर्व किया है, जैसे कि शाहीन बाग में जो कुछ हुआ, और आप मतलब मुझे इस बात पे बड़ी हैरत हुई है कि वो लोग जो के अपने आप को इवन एथियस भी कहते हैं, मशहूर राइटर्स और हाँ जावेद अख्तर हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, हाँ हाँ मैं नाम ले रहा था नहीं के हाँ नहीं नहीं मैं जो नाम लेने में चुके हर्ज नहीं है तो आई मीन दे आर वो किधर है? आई मीन व्हेन दे कम एंड वो शाहीनबाग के स्टेज पे जाके वो जिस किस्म की वो तकरीरें करते हैं या बातें करते हैं, तो आई मीन आई थिंक शायद इंडिया के मुसलमान जो है इवन वो सेकुलरिज्म के लिए भी नहीं रेडी हुए अभी।
और ये रिसेंटली जो कुछ तबलीगी जमात के मसले पे हुआ है और जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया है, एंड द वे मुस्लिम्स आर रिएक्टिंग ऑल ओवर द कंट्री, दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी, कि इंस्टेड ऑफ के वो, आई मीन देर इज नो स्पेस फॉर फॉर एनी लॉजिकल डिस्कशन और लॉजिकल डायलॉग द वे दे आर बिहेविंग. और एक बहुत बड़ी फ्रिक्शन इस वक्त है. और अगर किसी मुल्क में 15% उसकी पॉपुलेशन जो है वो ड्रैग बन जाए किसी भी किस्म की मूवमेंट पे या किसी भी किस्म की प्रोग्रेशन पे, तो आई मीन हाउ डिफिकल्ट इट विल बी टू टू रियली टेक द कंट्री फॉरवर्ड. तो जी 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 अच्छा सर, मामला इनकी हद तक ही नहीं रहा जो अपने आप को दहरिये कहने वाले सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट मुस्लिम बैकग्राउंड के नामवर दानिश्वर सो कॉल्ड हैं। हम देखते हैं सीजन जैसे लेफ्ट के राइटर्स हैं, अरुंधति राय हों या और बहुत सारे नाम हैं, वो बल्कि इससे ज़्यादा एक्सट्रीम पर हैं। तो उनकी क्या वजह समझ आपको आती है? एजेंडा, फॉरेन फंडिंग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की गेम है. और आई मीन आई वुड से के दे नीड टू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम ये है ताहिर भाई के मैं ये समझता हूँ कि आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है कि ये जो लिबरल लिबरल का जो एक जो आइडियोलॉजी जो है लिबरल, वो ये कहते हैं कि जी एज ए रिलीजियस बुक्स, गीता हो या कुरान हो, एक ही है इनका मैसेज, जो एक ही है.